हेलो दोस्तों, स्वागत है एक फ्रेश न्यू वीडियो में। तो भाई वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए भाई, जो आफ्टर शॉट्स मैंने डाला था उसको देख के समझ ही गए भाई वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। जो कि है भाई, ये मैं कुछ मंगाया था, ये 2 हफ्तों से मेरे पास पड़ा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला था थोड़ा इसको अनबॉक्सिंग करने का भी। तो आज भाई एकदम फ्री हूँ तो मैं बोला चलो भाई बाइक में लगाते हैं, तो मैं जल्दी से इसको खोलता हूँ। ये आया है भाई, कहाँ से आया है? ये आया है कुछ तिल्ला नगर शायद, ये ना केरला वेरला से है। मैं इंस्टाग्राम से देख के मंगाया था, तो मैं भी जहाँ से मंगाया था आपको मैं उसका लिंक डाल दूँगा इंस्टाग्राम पेज का, तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जल्दी से करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। पैकेजिंग अच्छी है भाई, और तो कुछ है नहीं पैकेट में, सिर्फ यही है। तो ये भाई कुछ ऐसा है, BSDDP का है भाई। मैं सोच भाई इसी चीज़ के मैं बात कर रहा था। तो भाई मैं ये फर्स्ट टाइम मतलब देखा हूँ, मतलब मीन्स मेरे को लगता था भाई छोटा सा साइज़ होगा, बट ये बहुत बड़ा साइज़ है। मैं सोचता था मतलब जो उसके इमेज देखे मेरे को लगता था छोटा होगा, बट ये भाई अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। एंड यहाँ ऊपर में भी देखोगे तो भाई ये ब्रेम्बो टाइप का एक साइन बना हुआ है। तो भाई देखो इसका तो एक ये आया है, एक ये पाइप आई है इसको लगाने के लिए, कुछ कुछ ना भाई ऐसे क्लैम्प्स वगैरह आए हैं। तो ये क्लैम्प वगैरह भी देख लो। तो इसके साथ ना भाई कुछ ऐसी लिमिटेड चीज़ें आई हुई थी, जैसे कि ये था एंड ये कुछ ऐसे अटकाने का था, मतलब मीन्स जो इसमें ऐसा लगता है, और ये एक रबर का कुछ वॉशर था जो यहाँ पे लगता है, एंड ये 2 ठो एक एलंकी वाला स्क्रू, दोनों ही एलंकी वाला ही स्क्रू है, एंड ये एक 10 नंबर का बोल्ट था, एंड एक वॉशर था, एक पाइप था। तो इसको जब मैं इसमें लगाने की कोशिश किया ना, तो क्या हो रहा था कि ना ये जो है इसमें ऐसा जा रहा था अंदर, बट ऐसा है कि इसमें ना मीन्स उतना वो नहीं था कि लाइक ये रबर का वॉशर को लगाना ही पड़ता, एंड ये इसमें से ऐसा पास नहीं हो रहा था, मतलब बहुत छोटा पड़ था इसमें ये जो नट था। तो मैं कुछ अलग से चीज़ें ऐड किया जो मेरे पास था, लाइक ये एलंकी वाले नट्स, मतलब स्क्रू, सॉरी नट बोल रहा हूँ, ये भी एक था, तो थोड़ा डिफरेंट साइजेस के थे। एंड एक तो ये भी ऐड किया था ताकि ये जो नीचे जो इसको अगर मैं जो टाइट करूँगा इसमें मीन्स इसमें, तो ये अच्छे से ऐसे करके रोक पाए इसको, क्योंकि जो ये वाला जो नट था ना ये इसमें घुस नहीं रहा था। मैं देखो ये घुस नहीं रहा करके। तो लगाने के लिए ना सबसे पहले ये रबर का जो वॉशर है इसमें से ये ग्रूव बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे बिठा दिया। ये थोड़ा सा परफेक्ट साइज था इसके लिए। तो इससे पहले ना भाई मैं एक तो छोटा सा वॉशर लगाऊंगा जो इसके साथ नहीं आया है, ये अलग से ही है। एंड ये जो दिख रहे हो इसको मैं इसमें लगा के एंड इसमें बिठा के, देन इसके साथ ये वाला वॉशर आया था इसको यहाँ पे ऐसा लगा दूंगा, देन ये जो है ये ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, इसको ऐसा लगा मेरे पास था, इसको मैं ऐसे टाइट कर देता हूँ। इसे टाइट कर लिया हूँ एंड देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से हो गया, यानी हिल भी नहीं रहा, बहुत ही मजबूत है। चलो बाइक की तरफ। तो भाई जैसे कि आपको पता है पहले ना भाई ये वाला यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि ये GT650 का है, मीन्स ये रियर ऑयल का मतलब मास्टर सिलेंडर है। तो इसको जो है ना मैं बाद में रियर में ही लगाऊंगा, अभी जो आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो है इसको यहाँ लगा दूंगा ताकि लुक जो है भाई एकदम बढ़िया, एकदम मस्त दिखे एकदम। तो लगाने के लिए ना यहाँ पे एक ना ये 40 नंबर का बोल्ट का इस्तेमाल करूँगा, जो कि ऐसे करके टाइट हो जाएगा। यहाँ पे भाई मिरर लगा हुआ था, तो ये ना पहले बोल्ट इसमें जो है घुस नहीं रहा था अच्छे से, तो यहाँ का देख सकते हो अंदर थोड़ा मैं ग्राइंड किया हूँ फाइल से, तो फाइल कर लिया हूँ, तो फिर अभी अच्छे से सही से जा रहा है। तो इसको मैं इस टाइप से लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे करके, एंड ये जो पाइप दिख रहा होगा यार आपको, इसको मैं ऐसे करके घुसा दूंगा। तो इसको पहले लगा लेता हूँ सबसे पहले, ये ना अच्छे से टाइट, ये अच्छे से टाइट हो गया, अब ये नहीं मूव कर रहा है। अभी जो पाइप है इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये नीचे गैप दिख रहा होगा, यहाँ से पाइप को मैं ऐसे डाल देता हूँ अंदर। एंड ये जो क्लैंप है यहाँ लगा दियो, तो ये जो प्रॉपर है ना एकदम लग चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूंगा,
यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं ओपन करने के लिए, एंड ये ऐसा निकल आता है। इसमें ऐसे लंबे लंबे दो टो स्क्रू हैं। हाफ डालूँगा ताकि थोड़ा सा वो लुक आए कि अंदर ऑयल है कर ऐसे दिखे। देन एक कैप को वापस से मैं ऐसे लगा दूँगा एंड इसको टाइट कर दूँगा। तो भाई देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है, एकदम मस्त। KTM और जो पूरा MT वगैरह में लगे रहते हैं ना भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स मतलब जो अलग से लगाते हैं, वैसा टाइप का लुक आ रहा है एंड बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। क्योंकि ये जो भाई कंटेनर है, देखो पहले जो कंटेनर लगा था ना भाई वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, करके मैं इसको चेंज करके ये वाला कंटेनर लगाया। आपको कैसा लगा भाई मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड भाई वीडियो पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भाई बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। अपने भाई को सपोर्ट करो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में। भाई 1000 सब्सक्राइबर पहुँच गया तो भाई मैं चैलेंज रखूँ अपने लिए कि मैं कॉन्टीनेंटल GT ले पाऊँ। तो भाई जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो एंड भाई को अपने 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। एंड हाँ भाई, मैं इसका मैं प्राइस बताना भूल गया था, सॉरी। ये जो है मुझे पड़ा है 550 रुपीज़ का एंड जो शिपिंग है वो 60 रुपीज़ था। टोटल मुझे पड़ा है 610 रुपीज़, जो कि मैं भाई इंस्टाग्राम में एक पेज था उससे मंगाया हूँ कॉन्टेक्ट करके। तो भाई मैं वो पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 550 का मिल जाएगा आपको भी।